सभी आदरणीय वक्तागण, मेरे सीनियर न्यायाधीशगण, आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम हमारे जिला न्यायालय परिसर में आयोजित है। इसी के लिए यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से निवेदन करूँगा कि संबंधित हो सके। ये बहुत दिनों से हमारी योजना में शामिल था कि स्वच्छता को हम एक अभियान के तौर पर लें, और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि अधिवक्ता संघ ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि कम से कम हम अपने छोटे से एरिया को तो साफ सुथरा ले कर ही सकते हैं। इसके लिए सचिव हमारे शांतनु जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये योजना प्रारंभ की है, और इसका प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव ये देखेंगे कि आज ही से हमने आउटसोर्सिंग कर ली है कि सबसे पहले टारगेट हम करेंगे उस स्थान को जहां हमारा जाना जरूरी है, किंतु हम जाने से पहले एक बार सोचते हैं कि हमको क्या यहां पर वो स्वच्छता, वो पवित्रता मिल पाएगी जो हम अपने घरों में जो उपलब्ध है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली। और वो है हमारा टॉयलेट, यहाँ का वॉशरूम या यूरिनल, आपको किसी भी शब्द में कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, ये नेसेसिटी है, नेचर कॉल है, ये हमको जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। और इसी अत्यावश्यकता को देखते हुए सबसे पहले टारगेट हमने ये किया है कि जितने भी वॉशरूम हमारे पास हैं उसको एकदम क्लीन करेंगे और वहाँ पर एक भी बैक्टीरिया ना हो। इसके लिए फिनाइल हम हर इंटरवल पे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 1 घंटे का हो, वो उसका छिड़काव कराएंगे। अभी जो हमने किया है 3 दिन का जो हमारा ये स्वच्छता अभियान है, ये आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है और हमारे सारे पक्षकारों के लिए है। और हमने इसके लिए आउटसोर्सिंग की है, और हमारे आउटसोर्सिंग से आए हुए हम सबसे पहले अपने उन हमारे उन आउटसोर्सिंग से आए हुए व्यक्तियों का भी यहाँ पर स्वागत करेंगे। आप इधर आइए, इधर आइए, प्लीज। हेलो, हाँ, इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये हमारे वो कर्मवीर हैं जो हमको आज पूरी स्वच्छता का इस अभियान को आगाज करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करूँगा। क्या नाम है आपका? मनीष जी। आप? पिंटू जी। ये और ये भी है चौथा हमारे जवान। ये चारों जवानों का जोरदार ताली से हमें स्वागत करें। नाम बताओ। मोंटी जी। तो ये हमारे जितने जवान हैं, ये हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि यार इतना बढ़िया करके दे दो कि लोग याद रखें कि आप 5 मित्रों का जो कि एक टोली आया था यहाँ पर, और हमारे स्वच्छता अभियान 3 दिन के लिए आपने इतना बढ़िया करके एक आदर्श दिया है, तब हम इसको मेंटेन करें सकें। अंत में जब ये सब कुछ काम हो जाएगा तो हम अपने स्वेच्छा से, चाहे आप अधिवक्ता संघ की ओर से या व्यक्तिगत, इन सभी को उत्साह स्वरूप हम कोई ना कोई उपहार देंगे आपको। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये शुरुआत जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय ये रिबन को काट करके करें। हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप आइए कृपया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके पृष्ठभाग पर एक दिख रहा है, स्वच्छ भारत अभियान 2018 दिसंबर का माह है। कुछ दिनों के बाद ये हमारा 2018 अलविदा होगा और 2019 का हम स्वागत करेंगे। स्वागत अगर स्वच्छता के साथ हो तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। स्वच्छता के लिए मैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि स्वच्छता अगर करना है तो हम सबसे नज़दीक से करें, और सबसे नज़दीक हमारे अगर कुछ है इस न्यायालय परिसर में तो टॉयलेट है। यहाँ का शौचालय या टॉयलेट पक्षकारों के लिए हो, चाहे अधिवक्ताओं के लिए, न्यायाधीशों के लिए हो, उसका स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है।
और इस ज़रूरत को हमने समझा और इसके लिए हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं शांतनु देसलहरे जी, इन्होंने पहल की और बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने आउटसोर्सिंग की। हमने आउटसोर्सिंग करके 5 ऐसे कर्मचारियों को आमंत्रित किया है जो हमें इस न्यायालय परिसर के सारे शौचालयों को एकदम क्लीन करके देंगे और उसके बाद का दायित्व हम लेंगे कि आपने जैसा क्लीन करके हमें दिया है हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। सर, ये स्वच्छता अभियान अभी आपने कहा 3 दिन तक चलेगा, 3 दिन के बाद भी आगे इसको ऐसे ही मेंटेन किया जाएगा कि पहले के समान जैसा तस रह जाएगा? अभियान सिर्फ 3 दिन का है जी, स्वच्छता के लिए एक प्रतीक स्वरूप है जी। इसके बाद इसको कंटिन्यू करना हमारे इस न्यायालय परिसर के कर्मचारियों का दायित्व होगा, अधिवक्ता संघ के द्वारा जो नियुक्त किया गया कर्मचारी का दायित्व होगा। ये प्रतीक स्वरूप हमको ये बताना चाहते हैं कि जो हम 3 दिन में करके दिखा सकते हैं वो आप साल भर क्यों नहीं कर पाते। तो ये प्रतीक को जो ये आज देंगे हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप आज से 3 दिन के बाद जब हमारा समापन समारोह तो यहाँ पर आइए और देखिए आज जो आपने देखा और आज से 3 दिन बाद आप जो देखेंगे इन दोनों के बीच आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और मैं चाहूँगा कि आप बल्कि इसको ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उसको कवरेज कीजिए और जन जन तक ये संदेश पहुँचाइए कि ये न्यायालय आपके लिए है, आप हमारे लिए हैं। सर, पब्लिक के लिए कोई संदेश? सर, पब्लिक का संदेश है कि न्याय पर और सत्य पर भरोसा कीजिए और न्यायालय आप निसंकोच आइए। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रहे हैं, हम हाईटेक कोर्ट बनाने जा रहे हैं। अब आपको नोटिस करने के लिए हम पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम आपके मोबाइल ऐप से हम आपके SMS के थ्रू आपको नोटिस भेजेंगे और आप जहाँ कहीं भी हो हम आपके प्रकरणों की सूचना आपको देंगे। तो आपको अब न्यायालय तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रकरणों को अपने न्यायालय में अपने ऐप के थ्रू देख सकते जान सकते हैं। थैंक यू। सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य हमारे जिला एवं सत्य न्यायाधीश महोदय वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी जो ये कारगर पहल है इस अभियान को हम आखिरी तक जारी रखेंगे। और स्वच्छता का जहाँ तक प्रश्न है, हमारा जो कार्यस्थल होता है उसे भी यदि हम अपना घर समझ के और घर की तरह साफ सफाई रखें तो अलग से स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे स्वच्छता का हमारे जीवन में यही उपयोग है और उसका महत्व इसी से पता चलता है कि आदमी इंसान का जब जन्म होता है और तब से लेकर मृत्यु तक हम जो है स्वच्छता अभियान में जुड़े रहते हैं। क्यों छठी बरही वगैरह करते हैं तब भी घर के सारी लिपाई पुताई कपड़ों की धुलाई, मृत्यु होने पे 13वीं के समय सारे कपड़ों की घर की सफाई लिपाई पुताई। तो इसलिए ये संदेश जो है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए कि स्वच्छता जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी परम आवश्यक है और मस्तिष्क के लिए भी आवश्यक है। यदि स्वच्छ जगह आप देखेंगे तो वहाँ स्वच्छता देखकर आपके मन में जो है एक जो उत्साह और एक जो प्रफुल्लता महसूस होगी वो जो है गंदी जगह पे आपकी मानसिकता भी उसी तरह की सोच उसी तरह की बन जाएगी। इसलिए स्वच्छता को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और इस बात के लिए मैं हमारे विधिक सहायता अधिकारी शांतनु साहब का, जिला एवं सत्य न्यायाधीश महोदय और हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भागीदार बनने वाले हमारे 5 स्वच्छता कर्मी उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा और हमारे अधिवक्ता बंधुओं से भी अपेक्षा करूंगा कि वो इस स्वच्छता को निरंतर आगे बनाए रखें जिससे कि हमारा परिसर साफ सुथरा लगे और हम छत्तीसगढ़ में जो है स्वच्छता के नाम पर कम से कम रायगढ़ जिले का और रायगढ़ जिला न्यायालय परिसर को जो है छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ आने वाले पक्षकार सदा याद रखें। सर, जैसे कि बार रूम में बोला जाता है कि जो लाइब्रेरी आप लोगों की है वो छत्तीसगढ़ में नंबर एक में मतलब मानी जाती है कि एक नंबर की लाइब्रेरी रायगढ़ में है, तो क्या आपके द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इसमें ये भी बोला जाएगा आगे कि छत्तीसगढ़ में जो रायगढ़ का जो बार रूम है वहाँ स्वच्छता में भी विशेष ध्यान दिया जाता है? छत्तीसगढ़ का जो बार रूम है या तो लाइब्रेरी की बात कर लीजिए आप या हमारे बार रूम की बात कर लीजिए, व्यवस्था की बात कर लीजिए, तो वो अभी तक छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ बार रूम में उसकी गिनती होती है। और हमारे द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो कार्यक्रम भी अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। हमारे यहाँ पे कई पदाधिकारी उपस्थित हैं, जैसे चंदेल साहब हैं, हमारे उदय जी हैं, हमारे ये मतलब यहाँ जितने त्रिपाठी जी हैं ये सारे के सारे जो है इस अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी रहे और इनके कार्यकाल में जिन ऊंचाइयों पे बार रूम को पहुंचाया गया उन ऊंचाइयों पे उसको स्थिर रखना और उसे आगे बढ़ना ये बार रूम का लक्ष्य है। और इस संबंध में हमारे बार रूम के अधिवक्ताओं का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है
और आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। और जिस तरह हमारी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी छत्तीसगढ़ में अनुपम लाइब्रेरी मान जाती है, उसी तरह हमारा बार रूम भी आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में बेमिसाल बार रूम के रूप में माना जाता है। आपका परिचय सर? मेरा अनिल श्रीवास्तव, मैं अभी वर्तमान समय में एडीपी का कार्य कर रहा हूँ, साथ ही विशेष लोक अभियोजक का भी कार्य जो है कर रहा हूँ। सर बताएंगे, अभी स्वच्छता अभियान मतलब न्यायालय में प्रारंभ हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि स्वच्छता अभियान जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता से ही यानी आदमी का शरीर जो है स्वस्थ रहता है। जहाँ भी स्वच्छता एक बार बिगड़ा तो आदमी का स्वास्थ्य भी गिरता है, इसलिए स्वच्छता जो है बहुत ही आवश्यक है। आज शुरुआत की गई है स्वच्छता अभियान की, इसको मेंटेन रखने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे न्यायालय परिसर में जो अभी? न्यायालय परिसर में क्या है, स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसको या न्यायालय में जो दूर दराज से ग्रामीण व्यक्ति आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, और इस कारण जो है स्वच्छता इसलिए भी और जरूरी हो जाता है कि दिन भर ग्रामीण जो है यहाँ रहते हैं न्यायालय में, उनको यानी बाथरूम की आवश्यकता होती है, टॉयलेट भी जो साफ होना चाहिए, और जगह जगह जो कचरा है वो भी जो है साफ होना चाहिए, ताकि न्यायालय भी जो है एक यानी सुंदर जो है दिख सके, और इसमें समाज में जो दूस यानी इसका जो है प्रभाव भी हो कि न्यायालय भी जो है एक स्वच्छ जो है। थैंक यू सर। और इसके बाद मस्त ऐसा साफ करो, और यहाँ पर लाइट लगाने वाले भी आएंगे, ज्यादा वाला भी मान लेना ना। नंदी अब ये भाई आप लोग को देख रहे हैं, इसके बाद 3 दिन के बाद फिर आपको मैं इनवाइट करूंगा जी सर, आपका समापन समारोह जरूर आना जी सर, एक बार इसका आपको कैच कर जी सर, आप दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कि किस प्रकार से साफ उसका भी हम लाइट करवा देंगे जी, और पूरा उसको साफ सफाई करा के कोई जाने वाले जाम और हमारा चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है, इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।